गुड मॉर्निंग ग्रेड फाइव. एज वी हैव डन आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3F, टुडे वी विल स्टार्ट विद आर सेकेंड क्वेश्चन. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग बोडमास रूल. बोडमास रूल आपको पता है, बोडमास बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ ऑडमास बिकॉज ऑडमास जो है अपने ग्रेड 4 में भी किया है. द न्यू थिंग हेयर फॉर यू इज बी. बी स्टैंड फॉर वॉट? ब्रैकेट. सो ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करनी है? ब्रैकेट्स का ऑर्डर होता है ये वाला. ये जो ब्रैकेट है सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, उससे छोटी दिस वन, एंड दिस इज लास्ट सबसे स्मॉल ब्रैकेट. सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है. दैट इज़ कौन सी ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट. उसके बाद किसकी टर्न आती है? कर्ली ब्रैकेट्स की. लास्ट इज द टर्न ऑफ व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट. सबसे पहले हम छोटी वाली को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लास्ट वन किसको सॉल्व करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट को. आपको ये और अच्छे से समझ आएगा व्हेन वी विल डू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज 126 डिवाइडेड बाय 24 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स 15 माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट्स 4 इनटू 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. सो जैसे आपने ग्रेड 4 में किया था, राइट बोडमास हियर. जो जो ऑपरेशन है हमने उनको क्या कर लेना है? टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिवीजन था, वी हैव टिक डिवीजन. फिर हमारी थी सब्ट्रैक्शन, फिर हमने सब्ट्रैक्शन को टिक कर लिया. देन मल्टीप्लिकेशन, और क्या थी हमारी? ब्रैकेट्स. मीन्स सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी है? ब्रैकेट्स. और ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर पे कौन सी सॉल्व करते हैं? राउंड ब्रैकेट. मीन्स बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा. सबसे पहले हमारी राउंड ब्रैकेट ये वाली है, हम इसको सॉल्व करेंगे. सो 15 माइनस नाउ 4 3s आर व्हाट? 12. हमारी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई. नेक्स्ट किसकी टर्न आती है? हमारी कर्ली ब्रैकेट की. अब कर्ली ब्रैकेट में क्या आया हमारे पास? 15 माइनस 12. मीन्स हमने किसको सॉल्व करना है? 15 माइनस 12. बाकी जो क्वेश्चन है एज इट इज़ जो है ऐसे ही आ जाएगा. 24 माइनस 15 माइनस 12 इज़ व्हाट? 3. ओके. सो 126 लास्ट में किसको सॉल्व करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को. अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बची है. मीन्स हमने किसको सॉल्व करना है? इसको. डिवाइड का साइन ऐसे ही. 24 माइनस 3 इज व्हाट? 21. ओके, ब्रैकेट सॉल्व. लास्ट में हमने क्या सॉल्व करना है? डिवीजन. सो 126 को जब हम 21 के साथ डिवाइड करेंगे, इट विल बी 6. सो जब हमने डिवाइड किया, व्हाट इज़ आर आंसर? 6. इट इज़ ईजी. बस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसको सॉल्व करना है. सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट. फ्यू मोर क्वेश्चंस आई डू फॉर यू. डी पार्ट अगेन, बोडमास वी हैव रिटन हियर. कौन सा? सबसे पहले हमारे पास आई मल्टीप्लीकेशन, देन वी हैव डिवीजन, then we have addition also, then we have again division, and this is what? Brackets. Means सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को. ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट? राउंड ब्रैकेट. मीन्स बाकी जो है क्वेश्चन, इट विल कम एज इट इज़. 72 डिवाइडेड बाई 65 प्लस नाउ 84 डिवाइडेड बाई 12. 12 के टेबल में 84 कहाँ जाता है? 12 सेवन्स आर 80. स्क्वायर राउंड ब्रैकेट इज सॉल्व. नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ कर्ली ब्रैकेट. 999 इंटू 72 डिवाइडेड बाय नाउ 65 प्लस 7 इज व्हाट? 72. ओके, सॉरी, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट. अब लास्ट इज द टर्न ऑफ व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट. 72 डिवाइडेड बाय 72 इज व्हाट? 1. सो एंड में क्या आ गया? 999 इंटू 1 इज 999. दिस अगेन जे पार्ट आई डू फॉर यू. अगेन बोडमास हमने लिख लिया. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, देन हेयर इज एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन एंड ब्रैकेट्स. मीन सबसे पहले विल सॉल्व व्हाट? ब्रैकेट्स. ओके, सो ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट सबसे पहले. पूरा क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही. 30 माइनस 11 प्लस 5 इज व्हाट? 16. ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ विच ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट.
सो 96 ऐसे ही आ गया. 30 माइनस 16 इज़ व्हाट 14. हमारी कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी. नेक्स्ट इज़ द टर्न ऑफ विच ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. 17 इंटू 96 प्लस 14 इज़ व्हाट 110. नेक्स्ट क्लास में हमारे पास क्या बची है, मल्टीप्लीकेशन. देन 17 इंटू 11 इज 187 और पीछे क्या आ गया, एक जीरो, एंड दिस इज योर आंसर. सो इट इज ईजी. नेक्स्ट रेस्ट पार्ट यू विल डू ऑन योर ओन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री. सो क्वेश्चन नंबर थ्री इज, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ऐसा जो है क्वेश्चन फॉर्म करना है, फिर उसको क्या करना है, सॉल्व. फाइंड द सम ऑफ 15, सम मीन्स क्या हो गया, प्लस 15 का सम फाइंड करना है और किसका, एंड डिफरेंस ऑफ 9 एंड 5. आपको इसकी क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करो और इसका क्या बनाओ, क्वेश्चन. सो सम किसका, 15 का, और किसका, डिफरेंस बिटवीन किसका किसका, डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स व्हाट, सब्ट्रैक्शन मीन्स 9 और 5 का डिफरेंस, और 15 को क्या करना है, सम मीन्स उनका क्या करना है, प्लस. नाउ अगेन ब्रैकेट इज टू बी सॉल्व हेयर फर्स्ट. सो 9 माइनस 5 इज व्हाट 4. सो 15 प्लस 4 इज व्हाट 19. ओके, नेक्स्ट बी पार्ट यू विल डू ऑन योर ओन. सी पार्ट आई विल डू फॉर यू. डिवाइड द प्रोडक्ट. डिवाइड किसको करना है, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 8. प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, मल्टीप्लीकेशन. 10 एंड 8 के प्रोडक्ट को किसके साथ डिवाइड करना है, बाय वाली चीज जो है बाद में आती है, बाय द डिफरेंस ऑफ 12. डिफरेंस क्या आ गया, माइनस 12 एंड 2. अगेन डिवाइड द प्रोडक्ट. डिवाइड करना है किसके प्रोडक्ट को, 10 एंड 8. 10 और 8 के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, बाय किसके साथ, डिफरेंस ऑफ 12 एंड 2. 12 इज व्हाट. सो आप पहले लिख लो डिवीजन. आपको कौन से ऑपरेशन फाइंड करने हैं, डिवीजन गिवन है आपको, मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस. सो ये देखो, यहाँ हमारी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और क्या आ गई, डिफरेंस. ओके, दीज टू पार्ट्स ट्राई ऑन योर ओन. अब इनको सॉल्व करना है. पहले ब्रैकेट्स है, दोनों राउंड ब्रैकेट्स है, मींस दोनों क्या इकट्ठे सॉल्व होंगी. 10 एट्स आर 80, बीच में डिवाइड का साइन ऐसे ही आ गया. 12 माइनस 2 इज व्हाट 10. नाउ 80 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट 8. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन वी विल नॉट डू. दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3F. थैंक यू सो मच.